जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर में टैलेंट डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत की है और इसमें बहुत अच्छे परिणाम अभी तक आए हैं। और स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक हिंदुस्तान एक अच्छे सेमीकंडक्टर हब की तरह डेवलप हो रहा है। आज उसी कड़ी में भारत और जापान ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया। इस मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन में मिनिस्टर निशिमुरा सान और भारत के बीच में साइन हुआ। इसमें 5 चीज़ें कवर होंगी: सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट की रिसर्च, सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट और ओवरऑल किस तरह से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में रेजिलियंस लानी है, उसके ऊपर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की US स्टेट विजिट के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। उन फैसलों से दुनिया भर में भारत के प्रति जो आस्था बनी है, ये आज का मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन उसी आस्था का, उसी ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा एक और उदाहरण है। दोनों देश बहुत जल्दी एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, जिसके जरिए से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे क्या कलेबरेशन होना है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या कलेबरेशन होना है, वो दोनों चीज़ें डिसाइड होंगी। आप सब जानते हैं कि ओवर लास्ट मैनी मंथ्स हिंदुस्तान और जापान की इंडस्ट्री आपस में कई सारे डिस्कशंस कर चुकी हैं, जिसमें कई अच्छे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्रिएट हुआ है। तो आज का ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन उस सारी एक्सरसाइज का और माननीय प्रधानमंत्री जी के US विजिट के दौरान साइन किए हुए अग्रीमेंट्स का और एक भारत और जापान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ कोऑपरेशन पर पहुंचने का बहुत बड़ा एक आज माइलस्टोन है। आई कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। आज ये अग्री हुआ है कि वी विल क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कलेबरेशन के अपॉर्चुनिटीज रखी जाएंगी। कुछ टाइम पहले रैपिडस आया था इंडिया। रैपिडस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जापान ने, जिसमें जापान की सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने रखा है। उनके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके केमिकल गैसेस कंज्यूमेबल्स उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी डिज़ाइन कंपनीज हैं, उन सबको लेके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो रैपिडस इसका एक बड़ा एलिमेंट रहेगा डिस्कशन का। तो जैसे ये डिस्कशन डेवलप होता है, जिस तरह से आगे चीज़ें डेवलप होंगी, उस हिसाब से आपके सामने रखेंगे।